कोरोना से ठीक होकर घर लौटे मरीजों का डॉक्टर ने किया स्वागत। मथुरा वृंदावन कोरोना की दूसरी लहर से उपजे विषम हालात में कोरोना की जंग को जीतना किसी भी मरीज के लिए नए जीवन का वरदान है, जो संभव है बेहतर इलाज और स्वास्थ्य कर्मियों के जज्बे से। ऐसे में अस्पताल से जिंदगी की जंग जीतकर घर जा रहे मरीजों का उनकी जीत के लिए अस्पताल प्रबंधन ने यादगार विदाई देने का फैसला किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव जैन के नेतृत्व में चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों ने घर जा रहे मरीज का माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर विदाई की, तो मरीज ने भी अस्पताल के स्टाफ का सेवा भाव के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। अस्पताल का माहौल कुछ समय के लिए भावुक हो गया। अंजना जी, आज जो स्वागत किया गया आपका, क्यों किया है? आपको जो माला बनाई गई, स्वागत हुआ, क्यों किया गया है? क्योंकि मैं ठीक होकर जा रही हूँ यहाँ से, तो लोगों ने मेरी फर्स्ट सेवा की है, इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। क्या बीमारी थी आपको? मेरे को कोरोना पॉजिटिव थी, मैं आई थी यहाँ पे, जब डॉक्टर तो भगवान इन्होंने बोली नई जिंदगी हरी सिंह। हरी सिंह जी, आज आपको जो बकेट और माला बनाई गई, क्या कारण है? ठीक हो गए और क्या माला फैलाई। क्या बीमारी थी आपको? बीमारी थी, बीमारी क्या? स्वागत करने का समय भी नहीं मिल पा रहा था, तो अब हमारे जो हमारे आना थोड़े से मतलब ये कोरोना की वेव है वो कम हुई है, तो हम लोग मरीजों का जो सही होके जा रहे हैं उनका हम स्वागत करना चाहते हैं और उनको बधाई देना चाहते हैं कि वो इन्होंने कोरोना की लड़ाई इतने उससे कड़ी, और हम लोग मैं अपना सारे स्टाफ का और डॉक्टरों का जो हम लोग कोरोना में लगाए उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से और जी जान से उन्होंने हमारे सब मरीजों की सेवा करी है, और जो मरीज हमारे जा रहे हैं जिला चिकित्सालय से सके वो भी आगे भी हेल्दी रहे हैं। सर जी, बात की जाए तो इस दूसरी लहर में कोरोना कितने मरीज ठीक हुए अस्पताल में और आज कितने हुए डिस्चार्ज? आज हम हमारे यहाँ से 6 मरीज छुट्टी होकर जा रहे हैं, और अभी हमारे यहाँ 19 मरीज अभी हैं, और मरीज जो है रोज हमारे मरीज ठीक होते हैं, और 5-6 मरीज जो है रोज छुट्टी होकर जाते हैं और नए मरीज भर्ती होते हैं। कल भी हमारे यहाँ 2 मरीज नए भर्ती हुए थे। मथुरा से पवन गुप्ता की रिपोर्ट।